हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। साथ ही एसोसिएशन में एग्जीक्यूटिव बॉडी में मेंबर की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें हमको बैंगलोर से साउथ जोन मोटर एसोसिएशन के जानिब से मैसेज आया कि कल 26 फरवरी को धरना दिया जाए, जिसमें हमको डीजल रेट्स और ई बिल के प्रॉब्लम और ग्रीन टैक्स का प्रॉब्लम और जो 15 साल की गाड़ी स्क्रैप का जो गवर्नमेंट ऑर्डर की है उसके प्रॉब्लम की वजह से हमने ये धरना देने का ऐलान किया है, जिसमें मुड़बी क्रॉस पे कल सुबह 10 बजे हम धरना देंगे। तो बसों कल्याण के सभी ओनर से गुजारिश की जाती है कि कल बसों कल्याण लारी ओनर एसोसिएशन की जानिब से मुड़बी क्रॉस पे सब जमा हो और वहाँ पे धरने का एहतजाज करें और वहाँ पे हम तहसीलदार मैडम को एक मेमोरेंडम दिया जाएगा। ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನೇನಿದೆ ಸರ್? ನಮ್ದು ಧರಣಾ ಕೊಡೋದ ಸಂದರ್ಭ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಏರಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲಾನ್ ಜಾರಿ ಕರೆಗೆ ಕಲ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ವಿರುದ್ಧ ಹಸ್ತಾರ ಕರೆಗೆ ಇಸ್ವಾನಿ ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम हर साल बढ़ा है, फिर BS4 और BS6 गाड़ी की जो ज़्यादा प्राइस है उसके स्पेयर पार्ट्स की कीमतें ज़्यादा होने तरफ से हम उसको लेकर के एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत से हमारी मांग है कि भाई इसके ऊपर गौर करके हमको इसको आश्वासन देकर इसको कीमतों को कंट्रोल करने या इसको रोकने की मेमोरेंडम दे रहे हैं और 4 तारीख तक हमारे उनको मेमोरेंडम दे दे रहे हैं। 4 तारीख तक हमारे मांगों के ऊपर गौर करके उसको बुलाकर बात करना कि अलग भी 4 इंडिया वोट कांग्रेस 4 तारीख को डिसीजन लेकर ऑल इंडिया स्ट्राइक को जाएंगे।